हेलो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं मीम्स बनाना कुछ ऐसा लाइक कुछ ऐसा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेंकल बाबा जी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट सुधांश। और आज के इस वीडियो में हम लोग मीम्स बनाना सीखेंगे और जानेंगे कैसे मीम्स बनाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए और इससे भी कुछ खतरनाक मीम्स बनते हैं, जिसके लिए मैं बताऊंगा कि आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेंकल बाबा जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई चार्ज नहीं लगता भाई, बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अगले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आईडी डिस्प्ले हो रही है। और एक बात और, आजकल मैंने टिकटॉक पे भी शुरू कर दिया है, समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो टिकटॉक पे क्या होता है, ऐसे मैं शॉर्ट वीडियो बताता हूँ 30 सेकंड के। अगर शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, छोटी छोटी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे क्लिप, तो आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वो उसकी भी आईडी नीचे मैं दे रहा हूँ, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, आप उतना कष्ट कर सकते हैं मेरे लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे मीम्स बनाएंगे। तो जो आए दिन आपको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मीम्स के मैसेज आते हैं, कुछ कुछ लिखा रहता है और आप सोचते हो यार ये इतना आपको अच्छा लगता है, फनी लगता है, थोड़ा मूड फ्रेश होता है, दूसरा क्या। तो सोचते हो यार, बहुत लोग सोचते हैं कि बनाते कैसे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बनाना तो इसके लिए मैं 3 एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। इन एप्लीकेशन की मदद से आप मीम्स बना सकते हैं। इसमें ऐसे जैसे भी एप्लीकेशन है, एक ऐसे भी जो बना बनाया आपको दे देगा, आपको सीधे वहां से सेव करके पोस्ट कर देना है। या फिर आप चाहते अपने हाथों से कलाकारियां करना और अपने अंदर की व्यथाएं मन में जो भरा है वो लिखना, वो भी लिख सकते हैं। मैं इस एप्लीकेशन में बताऊंगा, 3 एप्लीकेशन में बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा करके भी दिखाऊंगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है यार, करके दिखा रहा हूं कैसे, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि करना कैसे, क्योंकि अगर पूरा करने लगा फिर बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन से एप्लीकेशन है वो। तो पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं और ये तीनों एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी अगर आप चेक कर लेंगे तो वहां से भी लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक देने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। पहला लिंक मीम्स क्रिएटर, सॉरी पहला एप्लीकेशन जो है मीम्स क्रिएटर, मीम्स क्रिएटर, ये भी आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगा। 40-45 एमबी का ऐप है नीचे जो आपको दिख रहा है, मैं डिस्प्ले कर ही रहा हूँ और इसमें लास्ट में करके मैं दिखाऊंगा सब में। पहली एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, पहला मीम्स क्रिएटर है। इसमें क्या आपको जानवरों के कार्टून्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी कलाकारियां कर सकते हो और मीम्स बना सकते हो, मतलब जानवरों की फोटो वोटो जो होती है वो सब मिल जाते हैं आसानी से। बहुत साफ सुथरा मीम्स बनता है इसमें, कोई भी अभद्रता नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है। ये दूसरा एप्लीकेशन की बात करें हम लोग, उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा लेजेंड है, उनके अंदर खूब सारी खुरापातियां भरी पड़ी, अपने अंदर की व्यथाएं निकालना चाहते हैं, अपने अंदर भरा पड़ा है कूट कूट के, जो हमारे इंडिया में होता है, तो उसके लिए इंडियन मीम्स क्रिएटर या फिर इंडियन मीम्स जनरेटर, ये एक ही नाम है दोनों की, कुछ लोग क्रिएटर कहते हैं कुछ लोग जनरेटर कहते हैं, ये भी प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इससे भी मीम्स बना सकते हो। पर इससे कुछ खतरनाक एक्स्ट्रा लेजेंड मीम्स बनते हैं, तो अगर आप उस टाइप के मीम्स बनाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज करें। ऐसे आप सिंपल साफ सुथरा मीम्स बनाना चाहते हैं तो पहले वाले का करें, इसमें भी साफ सुथरा बनता है पर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा बनता है। तो बात करते हैं तीसरे एप्लीकेशन की, तीसरा एप्लीकेशन कौन सा है जो मीम्स के लिए, इंडियन फनी मीम्स, ऐसे करके एप्लीकेशन है इंडियन फनी मीम्स। नाम फिर से सुन ले, नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है, प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है इंडियन फनी मीम्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, साफ सुथरा बना बनाया आपको मिल जाता है, इंडियन मीम्स मिलेंगे। अब वो जैसे मिले, अच्छे मिले या एक्स्ट्रा लेजेंड लोगों के लिए मिले, वो बात अलग है, पर इसमें बना बनाया मिलता है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें एडिट वेडिट करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसमें सीधे वहां से सेव करो फोन में और जहां दे चपका दो जहां चपकाना है। और प्लस पॉइंट इसमें ये भी, इसमें व्हाट्सएप स्टिकर मिलता है, इसमें व्हाट्सएप स्टिकर आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप में ऐड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टिकर बना के किसी भी मीम्स का। और इसमें सबसे बेकार बात यह है, इस एप्लीकेशन की बेकार बात भी कर लेते हैं, सबसे बेकार बात इस तीसरे एप्लीकेशन की यह है कि खतरनाक एड प्ले होता है इसमें, एकदम बकवास, एक एक सेकंड पे साले एड आ जाते हैं और इतने खतरनाक एड आते हैं ना, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोग देखोगे। तो इसमें यार भाई बना बना के दे रहा है तो कुछ तो ऐड करेगा ही, अब बना बनाया दे रहा है, आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो बेचारा कुछ तो कमाएगा, ऐड से ही तो कमाई होती इन लोगों की। तो चलिए करके अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो पहला करके देखें एक भाई, एक जैसे जैसे मैंने नाम बताया ना तीनों का, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ट्रेलर हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो ये तीनों अब मेरे सामने दिख रहे हैं आपको। पहले मैंने मीम्स क्रिएटर के बारे में बताया, उसके बाद इंडियन मीम्स क्रिएटर के बताया, उसके बाद लास्ट वाला वो जो ऑटोमेटिक बना बनाया आपको मिलता है इसकी बात मैंने करी। तो चलिए पहले को देखते हैं, पहले खोलते हैं ये वाला, थोड़ा सा ट्राई करेंगे बस, देखेंगे अंदर क्या है।
कुछ इस प्रकार के ढेर सारी फोटोज आपको दिख रही हैं जानवरों के, और आदमी भी हैं जानवर भी हैं। अब चलिए ये जो फोटो है ये एक बिल्ली, चलो उठा लेते हैं। अब यहाँ देखिए टॉप टेक्स्ट बॉटम टेक्स्ट, मतलब दो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक ना। ये कुछ फ़ोटो यार जच नहीं रही है, थोड़ा दूसरा उठाते हैं, मतलब या बिल्ली उठा लेते हैं। टॉप टेक्स्ट, टॉप टेक्स्ट को यहाँ पे आप टैप करना है, टॉप टेक्स्ट का ऑप्शन एक दिख रहा है इस पे, जब जैसे ही टैप करिएगा कुछ भी लिखने के आ रहा है। चलिए मान ले लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यार, मैं तो मीम्स बनाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है और मेरे अंदर कुछ वर्ड्स भरे नहीं, कुछ भी लिख देते, चलो ए बी सी डी कुछ भी लिख देते। चलिए मैंने लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये देखो ये बड़ा छोटा, कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, पिंक रेड येलो, येलो ब्लैक, येलो दे देते थोड़ा सही लगेगा। यहाँ पे नीचे ओके का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ओके कर दीजिए। ऐसे मेरे पास वर्ड नहीं थे, मैंने वर्ड नहीं दिया अपने हिसाब से। आप फिर नीचे बॉटम टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अगर फिर से एडिटिंग करने का अगर आपको मन हो इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पर टैप करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए जैसा कि खुल गया, यह देखिए बड़ा कर सकते हैं, नीचे वाला ऑप्शन ये देखिए, बोर्ड साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, या नीचे आपको फॉन्ट का यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप टैप करिएगा तो ढेर सारे खतरनाक फॉन्ट, चलिए हम लोग ये लगा देते हैं। और नीचे ओके का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर ओके कर देना है। ओके कर दिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसलिए मैंने कुछ भी लिख के दिखाया, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं इस वाले एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप नीचे बॉटम टेक्स्ट पे टाइप करिएगा, बॉटम टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें भी, जो एज अवेज जो आपको मीम्स बनाने में अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। और चलिए मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ से आते हैं इसके साथ थोड़ा कलाकारियाँ कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। चलिए फॉन्ट चेंज करते हैं, चलिए कोई सा भी फॉन्ट, इसमें ढेर सारे आपको फॉन्ट मिल जाते हैं, आपको जो सही लगे वो लगा सकते हैं। चलिए मैंने ये लगा दिया, उसके बाद टेक्स्ट साइज टेक्स्ट कलर आ जाता है, चलिए ये लगा दिया मैंने, रेड नहीं इसको येलो लगा देते हैं अपने हिसाब से जो सही लगे। यहाँ पे देखिए फिर से, अगर एडिटिंग सेटिस्फाइड नहीं है एडिटिंग से आप, तो यहाँ से बड़ा, बोर्ड साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं एज योर विश, आपको जैसा सही लगे, ठीक ना। ऐसा दिख रहा है एक मेम्स टाइप का बन के, एक ढांचा बन के आपके सामने तैयार हो गया यहाँ पे। तो मतलब इस पे लिख सकते हैं आपको मीम्स में जो सही लगे आपको अपने वर्ड के हिसाब से। और नीचे देखिए अब ये सब जब लिख लें, बिगाड़ लें अच्छे से, बिगाड़ने के बाद यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव का ऑप्शन दिख रहा है ये गैलरी में, ये देखिए सेव डैज स्टोरेज, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इसके आगे आप पढ़ लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के, इसमें आप समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने बात करी मीम क्रिएटर, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए हो गया। अब आते हैं एक्स्ट्रा लेजेंड जो मीम क्रिएटर है, मैंने लाइन से सजा के रखा है, दूसरे नंबर पे है इंडियन मीम्स जनरेटर। ये कुछ लोग पहले कई क्रिएटर बन के आता था, अब जनरेटर हो गया क्रिएटर से। तो इसमें देखने को मिल जाते हैं आपको सबसे पहले एड कटने के बाद क्वालिटी आते हैं, आप किस कैटेगरी में आ जाइए, आप किस कैटेगरी के आपको चाहिए मीम्स, अमिताभ बच्चन एनिमल्स के चाहिए, फेमस चाहिए, मूवी चाहिए, पॉलिटिक चाहिए, रिलेशन चाहिए, सोच चाहिए। चलिए हम लोग किसको उठाते हैं, आजकल इंडिया में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, पॉलिटिक्स उठाएं। अब ये राहुल गांधी जी को टैप करते हैं। अब यहाँ पे आपको टैप करने का ये आपको लिखा लिखाया सब मिल रहा है, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करके नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है आपको, टेक्स्ट पे टैप करना है। आप यहाँ पे आप बिगाड़ सकते हैं अपने हिसाब से वर्ड्स, जो वर्ड बिगाड़ना चाहें बिगाड़ने के बाद डन करिए और इसको जहाँ मन वहाँ लगा सकते हैं। इसके साथ बड़ा छोटा, ये देखिए प्लस 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 बड़ा हो गया, ये हटा भी सकते हैं चाहे तो, और ये जो पहले वाला है ना वो उसको हटा भी सकते हैं। और यहाँ से आप वो इमोजी भी दे सकते हैं, ढेर सारी इमोजी दे देते हैं, चलिए कोई सा इमोजी दे देते हैं हम, लाइक यही दे दिया मैंने। अब इसको भी बड़ा छोटा इमोजी को भी कर सकते हैं, ठीक ना, अपने हिसाब से। ये टेढ़ा कर्व करना है, ये घुमा देना है, रोटेट करना है, जैसा आपको सही लगे। यहाँ से फॉन्ट चेंज वेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, फिर से बता रहा हूँ, इस पे टाइप करके आप फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इरेज करना है, इरे ये हटा पटाओ, मतलब टेक्स्ट साइज पेंसिल से लिखना है तो यहाँ पे पेंसिल भी मिल जाता है, डन हट, यहाँ पेंसिल भी मिल जाता है आपको। ये ढेर सारे यहाँ पे स्टिकर आपको मिल जाएंगे, स्टिकर पे टाइप करिएगा तो कुछ ऐसे। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगा के कुछ, मैंने पहले ही बोला था ये एक्स्ट्रा लेजेंड लोगों के लिए है, तो यहाँ से आप
यूज़ कर सकते हैं, ढेर सारे आपको वो मिलते हैं। जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ और ये पीछे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, कुछ अच्छा दिखेगा आपको। खैर ये जो बना ये पहले आना चाहिए था, और मैं किसी की मजाक नहीं बना रहा हूँ, चलो इन्हीं को पहना देता हूँ, ठीक ना। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलते हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा बैग फिर से आ जाते हैं, नहीं सेव करना यार, यहाँ से सेव का ऑप्शन जैसे बैग पे करिएगा सेव का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर ऊपर सेव का ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ऐसे बैग आते हैं हम लोग, सेव नहीं करना है, कैंसिल। ओके, एक मिनट, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से अब ये तो मैंने पॉलिटिक्स उठाया था, अमिताभ बच्चन को उठा लीजिए, कुछ उनके टाइप्स के मीम्स मिल जाएंगे, और यहाँ से आप वर्ड एडिट कर सकते हैं। एनिमल्स के मिल जाते हैं यहाँ पर, ढेर सारे जानवर के आपके मिल जाएंगे, जिस पर आप अपने वर्ड्स लिख के बिगाड़ सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं। ढेर सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, फेमस जो फेमस हैं, खुल जा सिम, खुल गया। यहाँ पर भी आप वर्ड एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे देश संकट में है, ये इनका है, अब देश संकट में है, यहाँ पे आप और लोगों को भी संकट में डाल सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। फेमस हो गया, मूवी के बारे में देखते हैं, मूवी में क्या है, मूवी में मूवियों वाले मिल जाते हैं ढेर सारे मीम्स, जैसे लाइक कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं आपको वो हटा भी सकते हैं, आप अपने हिसाब से वर्ड डाल भी सकते हैं। रिलेशन शो आप समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हैं ही। और व्हाट्सएप स्टिकर की बात करते हैं, इसमें व्हाट्सएप स्टिकर भी आपको ढेर सारे मिल जाते हैं, आप सीधे यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं मीम्स बना के। आप मीम्स बना के जो सेव करेगा वो भी इसी में सेव होगा, आप यहाँ से चाहें वो आपके गैलरी में भी सेव होगा और यहाँ पर भी रहेगा, आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप में भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है, प्लस का सिंबल जैसे टॉप करिएगा, इंग्लिश हिंदी यहाँ से ऑप्शन चुन लीजिएगा, हमको करना नहीं है। एक मिनट, हट जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, चलिए बैक आ जाते हैं। तो यहाँ से व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं, देखें ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप का, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की, जो बना बनाया आपको मिल जाता है इसमें, ऐड जिसमें मैंने शुरू में ही बताया था, ऐड से तो यार भदेड़े ऐड भरे रहते, परेशान हो जाएगा। जैसे खुला स्टार्टिंग ऐप, वेट अ मिनट, ऐड प्ले ना हो जाइए, ये देखिए प्यार से खुल रहा बेचारा, आप देखिए शुरू हो गया। तो इसको सीधे आपको काट देना है, और यहाँ से स्टिकर, इंडियन मीम्स, तीन ऑप्शन आपको मीम्स के दिख रहे हैं यहाँ पे, और स्टिकर के भी ऑप्शन दिख रहे हैं। मीम्स पर जैसे टैप करिएगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ। चलिए हम अक्षय पाजी को उठाते हैं, और ये ऐड को प्यार से काट देता है। अब यहाँ से आपको क्या ऐड वाले तो अलग हैं, यहाँ थ्री लाइन जो नीचे दिख रही है इस पर आप टैप करिएगा, तो यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा सीधे, आपको कुछ करना नहीं है, बस शेयर कर देना है। हट जाओ तुम, मैंने बोला था इसमें आप ऐड से परेशान हो जाओगे, इसलिए बना बनाया मिलेगा तो ऐड तो चाहिए ही। अब यहाँ पर ढेर सारे क्वालिटी मिल जाते हैं ऐड के, सॉरी मीम्स के, और यहाँ पे स्टिकर के भी। ऊपर आपको स्टिकर दिख रहे हैं, नीचे मीम्स दिख रहे हैं, बना बनाया मिलेगा, इसमें आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक मेहनत करना पड़ेगा, ऐड जो प्ले हो रहा है उसको काट देना है। तो तीनों एप्लीकेशन, मैंने वीडियो लंबी हो गई कुछ ज़्यादा ही, मैंने तीनों एप्लीकेशन बता दिए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा मैं, आपको जो अच्छा लगता है आप डाउनलोड वहां से आसानी से। तो दोस्तों तीनों एप्लीकेशन की मदद से आप मीम्स बना सकते हैं। मेरे पास शब्द की कमी है, कुछ एक्स्ट्रा लेजेंड शब्द जो है मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो अपने हिसाब से टेक्स्ट में लिख सकते हैं, मतलब उस मीम्स के लिखने के ऊपर अपने हिसाब से मीम्स बना सकते हैं, आपके अंदर जो लिखना चाहे वर्ड। मैंने बस बताया इस वीडियो में कि वर्ड पे वहां पे क्या क्या लिखना है, और अपने हिसाब से लिखना है आपको जो सही लगे, मुझे मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे मीम्स कैसे बनाना है, इसके बाद से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मीम्स बनाने में। दोस्तों ये वीडियो करते हैं पे समाप्त, मीम्स कैसे बनाएं आप लोग सीख गए होंगे, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, कल नहीं परसों मिलेंगे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, बाकी सब मोह माया है आता चला जाता है।